अगर आप 5 मिनट में कोई डिज़र्ट बनाना चाहते हैं और मीठा में आपको सबसे बेस्ट चाहिए तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ केसर पिस्ता वर्मिसली की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे बनाना इतना ईजी है कि आप घर पर इसे इजिली बना सकते हैं और ये आपको मार्केट में बहुत इजी तरीके से इसका इंग्रेडिएंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला घंटी को प्रेस करके ऑल पे कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो केसर पिस्ता वर्मिसली की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध के साथ कुछ काजू लिया है जिसको हमने चॉप कर लिया है। तो देखिए इस तरह से आप भी चाहे तो चॉप कर सकते हैं। और साथ में हमने लिया है कुछ किशमिश। किशमिश लेने के बाद अब चाहे तो और भी बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने 2 चम्मच जैसा कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है। तो देखिए कस्टर्ड पाउडर के साथ साथ हमने यहाँ पे चीनी लिया हुआ है। तो चीनी हमने यहाँ 300 ग्राम जैसा लिया हुआ है। और देखिए हमने यहाँ पे वर्मिसली लिया हुआ है रोस्टेड वाला। आपको मार्केट में दोनों मिलेगा, विदाउट रोस्टेड और रोस्टेड, वो आपको चेक कर लेना है। अगर आपको विदाउट रोस्टेड रहेगा तो उसको आपको अलग से फिर रोस्टेड करना पड़ेगा, तो उसमें अलग से आपको टाइम लग सकता है। तो आप चाहे तो रोस्टेड वाला भी ले सकते हैं, उसमें आपको रोस्टेड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब जो हम वर्मिसली लेंगे, सेमिया जो लेंगे, उसको भूनने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसे ही हम नॉर्मली बना सकते हैं, इसी तरह दूध में हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दूध को गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तब तक उसमें हम चीनी को ऐड कर देते हैं। यहाँ हमारा 300 ग्राम चीनी है, तो 300 ग्राम हम नहीं ऐड करेंगे, 250 ग्राम जैसा अभी हम ऐड करेंगे। चीनी को थोड़ा सा चेक कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा और डाल सकते हैं। जैसा अगर लगेगा हमें कम तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम एक बढ़िया सा उबाल आने तक इसका वेट कर लेते हैं। तो देखिए जब तक ये हमारा उबल जाए, तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए ये हमारा बढ़िया से उबल रहा है। तो यहाँ हमारा दूध में एक बढ़िया सा उबाल आ चुका है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे सेमिया। तो सेमिया हम ऐड करेंगे, हमारा रोस्टेड वाला ऑलरेडी है तो ये ज़्यादा हमारा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए दूध में हम इसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा वर्मिसली जो है बहुत ही परफेक्ट तरीका से बनने वाला है। ध्यान रहे दोस्तों, मैं हर एक बार वर्मिसली बोल रहे हैं क्योंकि इसे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में वर्मिसली के नाम से ही ज़्यादातर जाना जाता है, इसलिए मैं आपको वर्मिसली के नाम से बोल रहे हैं। तो देखिए इसे हम बढ़िया से पका लेंगे। पकाने से मतलब है कि 2 मिनट तक बढ़िया से चलाएंगे। 2 मिनट में देखिए हमारा कितना ये सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो कस्टर्ड रखे थे, उसको हल्का घोल के इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए कस्टर्ड को हमने मिला के इसमें ऐड कर दिया। तो हमने 2 चम्मच जैसा कस्टर्ड डाला था। कस्टर्ड आपको ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालने से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स, 1 लीटर दूध में आपको 2 चम्मच ही कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। आप चाहे तो 2.5 चम्मच जैसा ऐड कर सकते हैं, बट ज़्यादा ऐड ना करें। तो फाइनली केसर पिस्ता वर्मिसली का रेसिपी हमारा बन के रेडी हो ही चुका है। तो चलिए इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ड्राई फ्रूट डालने से पहले आप चाहे तो बहुत सारा अलग अलग किस्म के ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, काजू और किशमिश मैं यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास पिस्ता वगैरह नहीं है तो हम सिर्फ काजू और किशमिश से काम चला रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा सुपर टेस्टी डेजर्ट रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको अब हम सर्व करते हैं। तो देखिए सर्व करते हुए ये हमारा कितना सुंदर लगने वाला है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम क्रीमी टेक्सचर। आप इसे चाहे तो फ्रिज में रख के इजली आराम से खा सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद ये और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो रेसिपी आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला घंटी को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।